वेलकम गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। जैसे कि मैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डील किया था एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशंस को, आज अपन डील करते हैं उससे थोड़ा सा और आगे एसिड्स की क्लासिफिकेशन को। तो एसिड्स को हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं क्लासीफाई करूंगा एसिड्स को, पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट प्रेजेंट, एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन पावर और आयनाइजेशन क्वांटिटी बोल सकते हो आप इसको। छोड़ो, डील करते ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन में ले रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यानी कहां से हम लोगों को वो एसिड मिला। तो आपको मैं बता दूं, इसके हिसाब से एसिड को हम लोगों ने दो टाइप के क्लासिफाई किया। सबसे पहला मिनरल एसिड, इस मिनरल एसिड को और भी इनऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, आपको क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एसिड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ये दोनों एक ही नाम है। अब इसको मैं बता दूं, पहले इसको डील करते हैं मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे एसिड जो इनऑर्गेनिक होंगे या ऐसे एसिड जो मिनरल से हम लोगों को ऑब्टेंड होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, इसका एग्जाम्पल आएगा आपको HCl, H2SO4, ये सारे जो एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, मिनरल एसिड्स HCl और H2SO4 ये सारे हम लोग कहां से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, सॉरी नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सच एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। सच एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं, काफी इजी एग्जांपल मैं आपको याद कराता हूं, एसिटिक एसिड। क्या बोल रहा हूं मैं, एसिटिक एसिड, आपको याद आ रहा है एसिटिक एसिड हम लोगों ने पढ़ चुका है, आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताया था इससे विनेगर बनता है, फूड प्रिजर्वेटिव, चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक। तो एसिटिक एसिड आप लोगों को याद हो, तो एसिटिक एसिड, इसके अलावा साइट्रिक एसिड, इसके अलावा टार्टरिक एसिड, ये एक्सेट्रा, ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। हाँ, और आप लोगों को मैं इधर और बता दूं, अगर आप ये दोनों एसिड्स को कंपेयर करो, मिनरल एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड खुद है और ऑर्गेनिक एसिड को, तो आपको मैं बता दूं, तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो HCl H2SO4 यानी मिनरल एसिड्स ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, यानी ये एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है आप लोगों को, ये था आपका पहला बेसिस ऑफ सोर्सेस, पहला बेसिस किसके बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं अपन, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ पहला मैंने बोला था आपको सोर्सेस के बेसिस पे, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था, अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट के बेसिस पे इसको फर्दर हम लोगों ने क्लासिफाई किया। उन्होंने एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, सबसे पहला कंसेंट्रेटेड एसिड, CONCENTRATED, कंसेंट्रेटेड एसिड। तो कंसेंट्रेटेड एसिड होता क्या है, आप मैं एक बार और बता दूं, कंसेंट्रेटेड एसिड आपको नेचुरली ऑब्टेन नहीं होगा, आप चाहो तो उसको बना सकते हो, एसिड नहीं बनाओगे आप एसिड को कंसेंट्रेटेड बनाओगे। इन द सेंस एक्चुअली में होता क्या है ना, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि किसी केमिकल इक्वेशन को आप मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, तब मैंने आपको वहां पर चैप्टर नंबर 1 में था ये टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वाटर ही होता है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे एक्वियस होते हैं। और एक्वियस का मतलब क्या होता है, वाटर मिक्स्ड, यानी वाटर सॉल्युबल, बोला था मैंने आपको, याद है कि वाटर में मिक्स रहेगा, याद रखिएगा वो यहां पर यूज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को। कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत 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 कम रहेगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उसमें वाटर लगभग नहीं प्रेजेंट है, इतना कम रहता है कि वो प्रेजेंट नहीं छे मान के चलते हैं उसको। तो कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, या इसमें बोलना चाहिए अपने को अमाउंट ऑफ एसिड इज मच 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 ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर, आपको मैं एक बात और बता दूं, आप कैसे पता लगाओगे कोई एसिड ज्यादा कंसेंट्रेटेड है कि कोई एसिड कम कंसेंट्रेटेड है, तो उसका एक तरीका भी है, उसका तरीका यह है
कि जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयंस लिबरेट करेगा, यानी मोर H प्लस आयंस हाई कंसेंट्रेटेड। कंसेंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म CONC. भी लिखते हैं आप इसको चाहोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको कि कंसेंट्रेटेड एसिड होता क्या एक्चुअली। तो ऐसा एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ वाटर, या आप उसका दूसरा क्लासिफिकेशन पैटर्न भी ले सकते हो कि जितना ज्यादा H प्लस आयन वो लिबरेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन पे उतना ज्यादा वो कंसेंट्रेटेड होगा। क्लियर है आपको कोई? नेक्स्ट पहला क्लासिफिकेशन आप लोग क्लियर, कंसेंट्रेटेड एसिड। दूसरा है आप लोग डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ वाटर कंपेरेटिवली रहते हैं। इन द सेंस आपको लिमिटेड क्वांटिटी में एसिड को डिसॉल्व करना है वाटर में। जैसे इस प्रॉब्लम क्या था, अमाउंट ऑफ एसिड इज मच 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 ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ वाटर था। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है पर्टिकुलरली, अमाउंट ऑफ एसिड इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर, और यहां पर आपको लेस एच प्लस आयंस ऑब्जर्व होते हैं। यहां पर क्या होता है आपको लेस एच प्लस आयंस ऑब्जर्व इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। तो जब हम लोग इस एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस सॉल्यूशन पे हम लोग को एच प्लस आयन बहुत ही कम ऑब्जर्व होंगे। क्लियर है दोस्तों? क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। आई थिंक ये सेकंड बेसिस भी आप लोगों को क्लियर है, और जो कि अमाउंट के ऊपर अमाउंट के बेस्ड करके बनाया गया था। नेक्स्ट आप लोगों का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। मैं इसको स्पेल कर देता हूं IONIZATION, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर टर्म आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन्स में कन्वर्ट होना, यानी कि जब कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयन्स में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। यानी आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू आयन्स, आयन्स में वो कन्वर्ट होते हैं। तो इस पर्टिकुलरली आयोनाइजेशन के बेसिस पे भी हम लोगों ने एसिड्स को क्लासिफाई किया है दो पार्ट में। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, और आई थिंक आप लोगों ने सेकेंड वाला तो गेस कर लिया होगा अभी तक। सेकेंड वाला क्या होता है अपना वीक एसिड। सेकेंड वाला क्या होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं जी? स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेबल या आयोनाइज बोलना आप उसको चाहोगे। ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या होता है वो आयोनाइज हो जाएगा, यानी एक ऐसा एसिड जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा है ना ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड किसको बोलेंगे जो कि पार्शली आयोनाइज, या फिर पार्शली का मतलब होता है इनकम्प्लीटली, यानी पूरा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा उसको पार्शली बोलते हैं, या इनकम्प्लीटली भी बोल सकता हूं इसको चाहूंगा। तो ऐसे एसिड जो कि इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं वो वीक एसिड, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं इनके एग्जांपल आपको देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली हो जाएंगे आपको HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे एसिड्स क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स के एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। वीक एसिड्स क्या होता है जो हम लोगों ने अभी डील किया था, मैंने आपको जब ये क्लासिफिकेशन दे रहा था मिनरल और ऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड का, तब भी मैंने आपको बोला था कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये एसिड वीक एसिड होता है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये एसिड ज्यादा पावरफुल रहेगा और ये एसिड थोड़ा सा कम पावरफुल यानी वीक रहेगा, बताया था मैंने आपको, वो इसी बेसिस पे था, ठीक है। क्योंकि अगर इसको अपन आयोनाइज करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है लगभग, और ये वाला बहुत कम आयोनाइज होता है, इसी कारण इसको वीक की कैटेगरी में रखा जाता है और उस वाले को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कंप्लीटली आयोनाइज एसिड क्या होंगे HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, एंड वीक आयोनाइज एसिड या पार्शली आयोनाइज एसिड यानी वीक एसिड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आपको क्या था साइट्रिक एसिड। आई थिंक नेक्स्ट मेरे को एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आप खुद भी उतना समझ सकते हैं। सो ये तीन बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, सबसे पहला सोर्सेज के हिसाब से, दूसरा अमाउंट, एंड तीसरा आयोनाइजेशन। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने एसिड्स को दो दो और ये दो इसमें क्लासिफाई किया। सोर्सेज के बेसिस पे मिनरल एंड ऑर्गेनिक, अमाउंट के बेसिस पे कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट, आयोनाइजेशन के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कि एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्वियस
सॉल्यूशन पे ही शो कर पाएगा। मींस जब वो वाटर का डाइल्यूट होगा यानी सॉल्युबल होगा तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और एल्स नहीं करेगा। जैसे मान के चलो मैंने HCl को लिक्विड फॉर्म में लिया, एक्वियस फॉर्म में लिया, उस पे अगर मैं ब्लू कलर का लिक्विड डालू तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। मैंने आपको इसको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। लेकिन अगर वहीं पर मैं HCl का गैस ले लूं और उस पे मैं ब्लू लिक्विड डालूं तो वो किस पे कन्वर्ट होगा? तो उस पे कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगे। रीजन ये है कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्वियस मीडियम पे ही शो करेगा। सेम बेस के साथ भी है, बेस भी अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम पे, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक्वियस मीडियम पे ही अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी एक्वियस मीडियम पे ही शो करेगा, यानी एक्वियस सॉल्यूशन पे ही शो करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस।